Hi and welcome to the Discrete Structure Chapter 7 Discrete Probability में 7.3 Bayes Theorem का है जो हम इस सेशन पे डिस्कस करेंगे. वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि Discrete Probability में रोजन की बुक को फॉलो करते हैं, हम वही टॉपिक्स देख रहे हैं जो इनके डिफरेंट सेशन पे मौजूद है. लेकिन Probability से रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स को इन डेप्थ स्टडी करने के लिए हमें ऑलरेडी कोर्स कवर कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रॉबिलिटी फॉर एवरीवन के नाम से, जिसमें 88 वीडियोज़ मौजूद हैं जो इन डेप्थ स्टडी के किसी भी कॉन्सेप्ट में स्टैट से रिलेटेड समझने के लिए काफ़ी होंगी. तो आप YouTube पर आने के बाद फहद हुसैन CS सर्च से सर्च कर सकते हैं, मुझे मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, वीडियोज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं. तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक कोर्स मिलेगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का, जिसमें 88 वीडियोज़ हैं. इसे मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ ओपन किया हुआ है, तो उसमें डिफरेंट टॉपिक्स इन डेप्थ स्टडी के साथ जो है डिस्कस किए गए हैं. तो हाईली रिकमेंड कि आप इस पर आकर इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं. तो जो कोड रिलेटेड मटेरियल है, प्रेजेंटेशन स्लाइड कोड, वो मेरे ब्लॉग fahadhussain.cs/blogspot.com पर है. तमाम मटेरियल को फ्री डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है. तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको पर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें. तो 7.3 बेस थ्योरम का है. 7.2 के अंदर जब हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे तो एक टॉपिक हमारा रह गया था, मोंटी कार्लो एल्गोरिथम. तो मोंटी कार्लो एल्गोरिथम्स को मैंने स्टैट्स के कोर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है. अगर आप इसके प्लेलिस्ट पर आओगे तो वीडियो नंबर 60 में मोंटी कार्लो को विथ एग्जांपल मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप इस वीडियो को देखकर बड़े अच्छे तरीके से मोंटी कार्लो के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ अ बेस थ्योरम? तो प्रीवियस सेशन 7.1 और 2 के अंदर हमने कुछ प्रीरेक्विजिट्स देखे बेस थ्योरम के, जहाँ पर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखा था. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पर ही बेस थ्योरम वर्क कर रहा होता है, यानी उसी की कॉम्बिनेशन पर ये फार्मूला ड्राइव हुआ है. तो सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन समझते हैं और फिर इसके प्रूफ को भी देखेंगे बुक को यूज़ करते हुए. सो द डेफिनेशन सेज ऑफ द बेस थ्योरम, सपोज दैट ई एंड एफ आर द इवेंट्स. हमारे पास ई और एफ, जैसे हम ए और बी से भी कंपेयर कर रहे होते हैं तो अल्फाबेट आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आर द इवेंट्स फ्रॉम अ सैम्पल स्पेस एस, ठीक है, जबकि ये सैम्पल स्पेस एस से इसे लिया गया है. सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो. देन द बेस थ्योरम सेज कि प्रॉबिलिटी ऑफ द एफ सच दैट ई ऑलरेडी अकर्ड, जबकि ई हमें पता है, तो वट विल बी द प्रॉबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू द प्रॉबिलिटी ऑफ ई सच दैट एफ इज गिवन मल्टीप्लाई बाय प्रॉबिलिटी ऑफ एफ डिवाइड बाय द प्रॉबिलिटी ऑफ ई सच दैट एफ मल्टीप्लाई बाय और बाय प्रॉबिलिटी ऑफ एफ. और उसके बाद इसी चीज़ को हमने रिवर्स कर दिया, या रिवर्स से आप ये समझ लें कि जो चीज़ यस के साथ थी हमने नॉट के साथ लिख दिया, यानी एफ अकर्ड था, अब हमें कहा जा रहा है एफ नॉट के साथ अकर्ड है तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था 7.1 के अंदर, 6 रूल्स पढ़े थे तो वहाँ पर हमने नॉट को भी देखा था. अच्छा, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई, लेकिन अब इसे ड्राइव प्रूफ रूल्स पर अगर हम देखना चाहें तो मैं थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, आप बुक्स पढ़ के भी समझ सकते हैं, लेकिन बेसिक आइडिया के साथ हम बुक को भी देख लेते हैं कि प्रूफ ये किस तरह से करके दिखाया गया, क्योंकि हम यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? बुक से समझते हैं. तो रोजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं. 470 पेज नंबर पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बेसिक डेफिनेशन मौजूद थी जो स्लाइड्स पर मैंने डिस्कस किया था. उसके बाद प्रूफ मौजूद है. अगर हम प्रूफ को कंपेयर करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को देखूँ तो इस तरह से लिखा जा सकता है ई विद रिस्पेक्ट टू द सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सच दैट और गिवन बाय ई के रिस्पेक्ट से डिवाइड बाय पी ऑफ ई लिखा जाएगा. ये पहला तरीका हो गया. इसी चीज़ को रिवर्स में मैं प्रॉबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ लिख सकता हूँ. ये अच्छा, अब ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, तो इन दोनों वैल्यूज़ के राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड सेम है, ठीक है, ई और एफ के बिहाफ पर. तो अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन को. तो जब मैंने दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट किया तो इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी इसके लेफ्ट साइड को और इसके लेफ्ट साइड को हमने लिया. ठीक है, जब हमने ये ले लिया तो डिवाइड किया हमने बाय द प्रॉबिलिटी ऑफ ई. जब मैं डिवाइड करूँगा तो हमारे पास जो कॉमन या बेसिक फार्मूला बनेगा बेस थ्योरम का, वो ये बन जाएगा. और इसी बेस थ्योरम को नॉर्मली या फ्रिक्वेंटली टाइम इस्तेमाल किया जा रहा होता है स्टैट्स के टॉपिक के अंदर. लेकिन फर्दर मोर इसके बाद हम, जैसे हमने फार्मूले में देखा था नॉट का साइन भी यहाँ पर मौजूद है कॉम्प्लीमेंट के साथ, उस चीज़ को फर्दर ड्राइव किया गया कि वो वैल्यूज़ किस तरह से आ रही है. और ड्राइव करने के बाद एट लास्ट जो हमारे पास मेजर बेस थ्योरम का फार्मूला बनता है वो बिल्कुल वही बनता है जो अभी हमने बेसिक डेफिनेशन में देखा था. ठीक है, तो आप फर्दर पढ़कर इसे जो है समझ सकते हैं. मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अब वीडियोज़ हमारी ऑलरेडी लॉन्ग होती है, तो हम बेसिक चीज़ समझ चुके हैं कि बेस थ्योरम किस तरह से कंडीशनल प्रॉपर्टी को इक्वेट करते हुए यूज़ हो रहा होता है. अच्छा,
अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दो तरह के प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर देख रहे होंगे. सबसे पहले तो हम एक प्रॉब्लम देख रहे हैं कि ए बैग वन कंटेन फोर वाइट्स एंड सिक्स ब्लैक बॉक्स. हमारे पास एक बैग है जिसमें फोर वाइट और सिक्स ब्लैक बॉल्स हैं, वाइल अनदर बैग्स टू, जबकि दूसरा बैग जो है उसमें फोर वाइट बॉल्स हैं और थ्री ब्लैक बॉल्स हैं. ठीक है, तो वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग ऑफ द वन ऑफ द बैग्स, यानी एक बॉल हमने रैंडमली पिक किया किसी भी या फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, किसी एक बैग्स में से. सो एंड इट इज़ फाउंड टू बी ब्लैक, अगर देखा जाए तो वो जो बॉल आई है वो ब्लैक आ रही है. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम द बैग वन, यानी अगर वो बॉल जो है वो ब्लैक हो रही है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये बॉल जो निकाली गई थी वो बैग वन से निकाली गई थी. ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ रही है. ठीक है, तो हम बेस के रिस्पेक्ट से ये देख सकते हैं. अच्छा, अब नॉट का सेंटेक्स अगर आप देखो या नॉट के साथ देखो तो वो बैग वन में हो सकता है नहीं हो सकता है, ये सेंस आ जाएगा. ठीक है, समझते हैं. सोल्यूशन कह रहा है कि लेट ई वन बी द इवेंट ऑफ चूजिंग बैग वन, यानी ई वन इवेंट जो है वो बैग वन के लिए है, जबकि ई टू जो है वो बैग टू के लिए. एंड ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉक्स, सॉरी ब्लैक बॉल, यानी हम इसे ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं इस इवेंट को ताकि हम देख सकें कि ये ब्लैक बॉल है या फिर नहीं. तो इस बिहाफ से अगर देखा जाए तो प्रॉबिलिटी ऑफ ई वन एंड प्रॉबिलिटी ऑफ ई टू दोनों सेम रहेंगी, यानी दोनों की प्रॉबिलिटी हाफ ही होगी इनिशियली. ओके, सो ऑल्सो द प्रॉबिलिटी ऑफ ए सच दैट गिवन बाय द प्रॉबिलिटी ऑफ ई वन इज गिवन, जबकि ई वन हमें गिवन है तो क्या प्रॉबिलिटी होगी ए, हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं प्रॉबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम अ बैग वन. ठीक है, तो बैग वन से प्रॉबिलिटी होने की क्या चांसेस हैं कि सिक्स उसमें ब्लैक बॉक्स बॉल्स थे जबकि टोटल बॉल्स कितने हैं टेन, ये देखें आप सिक्स एंड फोर टेन हो गए, तो ये इसकी प्रॉबिलिटी आ गई. ठीक, इसके लिए बैग वन के लिए यही चीज़ मैंने ब्लैक टू के लिए किया. बैग टू के लिए तो बैग टू में फोर प्लस थ्री है तो सेवन है, सेवन में से थ्री ब्लैक है तो उसकी प्रॉबिलिटी ये होगी. ठीक है, दोनों की प्रॉबिलिटी हमने निकाल ली. अब हमने यहाँ पर ई वन को यूज़ करते हुए बेस थ्योरम अप्लाई किया, तो बेस थ्योरम अप्लाई किया तो प्रॉबिलिटी ऑफ ई वन, जबकि व्हाट विल द प्रॉबिलिटी ऑफ ए सच दैट ई वन अकर्ड, ये हम मालूम कर चुके हैं, और इसी तरह ई टू के लिए भी कर सकें. तो तमाम वैल्यूज़ हमने फार्मूले के रिस्पेक्ट से यहाँ पर लिख दिया सच दैट होगा, और उसके बाद तमाम वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं. पी ऑफ ई हाफ है, ठीक है, ई वन के लिए भी और ई टू के लिए भी हाफ होगा जो यहाँ पर मौजूद है. देखें यहाँ पर भी हाफ लिख दिया. ए प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय ई, ई वन जो है वो 3.5 है जबकि ई टू जो है वो हमारे पास 3.5 है, तो जहाँ जहाँ ई वन था हमने 3.5 लिख दिया, जबकि प्रॉबिलिटी ऑफ ई वन जो है और ई टू भी हाफ है. वैल्यूज हमने सॉल्व की, 7/12 हमारे पास प्रॉबिलिटी आ गई. तो इस बिहाफ से मैं कह सकता हूँ कि जो प्रॉबिलिटी होगी बैग वन से ब्लैक बॉक्स बॉल को पिक करने की वो 7/12 हो बेस्ड ऑन दी कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ द बेस थ्योरम. होप यू विल अंडरस्टैंड. ये एक बेसिक सा हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया. अब एक बुक से क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, लॉन्ग है, यही वजह है कि मैंने सारी चीज़ें स्लाइड्स पे शो की हैं, क्योंकि सम टाइम बाद में हमें ये चीज़ें समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती है जब कंटेंट कम से कम होता है. सम टाइम जहाँ पर ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत होती है तो मुझे वो लिखना बेहद ज़रूरी है. सेम क्वेश्चंस हैं लेकिन थोड़े से लॉजिक चेंज के साथ है. वी हैव टू बॉक्सेस, द फर्स्ट कंटेन टू ग्रीन बॉल्स. ठीक है, दो बॉक्सेस हैं जबकि फर्स्ट बॉक्स में टू ग्रीन बॉल्स हैं एंड सेवन रेड बॉल्स हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सेवन एंड टू ये हो गए नाइन, क्वांटिटी होगी वन बॉक्स के लिए. द सेकेंड कंटेन फोर रेड बॉल्स, सॉरी फोर ग्रीन बॉल्स एंड थ्री रेड बॉल्स, तो ये हो गए थ्री एंड फोर सेवन, राइट. अच्छा जी, सो देयर इज अ पर्सन बॉब सेलेक्ट अ बॉल बाय फर्स्ट चूजिंग वन ऑफ द टू बॉक्सेस एट रैंडम, यानी वो एक बॉल सेलेक्ट कर रहा है दोनों बॉक्स में से किसी एक को रैंडमली सेलेक्ट करते हुए. सो ही देन सेलेक्ट वन ऑफ द बॉल इन दिस बॉक्स एट रैंडम, यानी एक बॉल सेलेक्ट किया रैंडमली किसी भी बॉक्स. सो इफ बॉब हैज सेलेक्टेड अ रेड बॉल, अगर बॉब ने एक रेड बॉल सेलेक्ट किया है तो वट इज़ अ प्रॉबिलिटी ही सेलेक्टेड अ बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स. बिल्कुल सेम लॉजिक के साथ देखें क्वेश्चन है, यही वजह है कि मैंने ये जो क्वेश्चन लिया था ये मैंने बुक के अलावा लिया था और उसके बाद मैं बुक के क्वेश्चन को समझा रहा हूँ ताकि समझना हमारे लिए आसान. ठीक है, सेम वही लॉजिक जो प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई हुई है वो पैराग्राफिक फॉर्म पे यहाँ पे लिखी गई है. ठीक है, और आप इसे पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं कि वो प्रॉबिलिटी किस तरह से फाइंड की जाए. हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं वैल्यूज़ को पिक करने के लिए कि वैल्यूज़ क्या हैं, और डायरेक्टली हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके बाद अपने सोल्यूशन की तरफ पहुँच जाएंगे. अगर हम इस पैराग्राफ को पढ़ें तो हमें मजीद क्लियरफाई होगी चीज़ें. फर्स्ट नोट दैट द बिकॉज द फर्स्ट बॉक्स कंटेन सेवन रेड बॉल हैज अ क्वेश्चन सेड आउट ऑफ द टोटल नाइन बॉल्स, वी नो दैट द प्रोबिलिटी ऑफ ई सच दैट एफ गिवन इज 7/9, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में सेवन है
और फर्स्ट में 9 है, तो मैं इस तरह से उसको ई विथ रिस्पेक्ट टू द एफ लिख सकता हूँ, ठीक है. सिमिलरली द सेकंड बॉक्स कंटेन अ 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ द टोटल ऑफ 7 बॉल्स. सो वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बाय नॉट एफ, तो नॉट एफ के लिए हमने क्या किया, 3/7 लिखा. तो वी अस्यूम दैट बॉब सेलेक्ट अ बॉक्स एट रैंडम, तो रैंडमली सेलेक्ट करने की वजह से जो एफ की प्रॉबिलिटी है वही नॉट की भी प्रॉबिलिटी हो जाएगी. वो सेलेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, 1 को या 2 को. तो उसके रिस्पेक्ट से मैंने दोनों की प्रॉबिलिटी क्या रखी, हाफ रखी है. तो बिकॉज द प्रॉबिलिटी ऑफ ई गिवन बाय एफ इज इक्वल टू, ये यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने किया है कंडीशनल प्रॉबिलिटी को यूज, ठीक है. तो ये कंडीशनल प्रॉबिलिटी का फॉर्मूला हो सकता है. तो इट्स फॉलोज प्रॉबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू ई, अब मैं वैल्यू को सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है. कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो जो वैल्यूज यहाँ पर डिवाइड हो रही थी वो अब जाके मल्टीप्लाई, यानी ये डिवाइड हो रहा था ये पार्ट, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया. इस तरह से लिख सकता हूँ, मैंने वैल्यूज पुट की तो ई इंटरसेक्शन एफ जो हमारी वैल्यूज आई वो 7/18 आ गई, ठीक है. पहली चीज़ ये हो गई. अब हमें चाहिए था ये यस के लिए, मैं यस टेक्निकली इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें नॉट कम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है. तो जब कम्प्लीमेंट नहीं है तो कम्प्लीमेंट वाले की भी जरूरत होगी. सेम लॉजिक के साथ कम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, वैल्यूज पुट की और ये आ गया 3/40, राइट. सारी चीज़ें हो गई. अब अगर हम बेस थ्योरम पे देखें तो एक चीज़ हमें फाइंड करना है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि मैं एफ के लिए जा रहा हूँ तो ई हमें पता होना चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इसके बराबर होगा, ये दोनों वैल्यूज हमें पता चल चुकी हैं, मैंने दोनों वैल्यूज पुट की, एलसीएम लिया. एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की. एंड नाउ द लास्ट वन, देयर इज अ फॉर्मूला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सच दैट ई इंटरसेक्शन वाइज जो वैल्यूज आई थी वो ये रही 7/18, ठीक है. जबकि अभी हमने जो वैल्यूज निकाली वो ये रही, यानी प्रॉबिलिटी ऑफ ई, दोनों वैल्यूज पुट की, डिवाइड किया और अप्रॉक्सीमेटली ये 64% प्रॉबिलिटी के वाइज पे हमें आ चुका है. यानी ये बता रहा है कि 64% इज अ प्रॉबिलिटी दैट द बॉब सेलेक्ट अ बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स, राइट. तो बुक वाली एग्जांपल भी हमने यहाँ पर कर ली और एक रैंडमली बेसिक क्वेश्चन के जरिए से मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया. होपफुली यू आर अंडरस्टैंड कि बेस थ्योरम क्या है और किस तरह से कंडीशनल प्रॉबिलिटी को यूज करके इस तरह के कंडीशनल वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करता है. ओके, now the next thing according to the book is generalized Bayes theorem. Generalized ka word jahan par aa raha hota hai iska matlab ye hota hai ki jab hamare paas number of the events ki quantity nth order tak jane lagti hai to hum uski ek generalized form ko suggest karte hain, theek hai. kya hai ye, the generalized Bayes theorem, note that in the statement of Bayes theorem the event f and f are mutually exclusive, ठीक है. यानी एफ और एफ दो अगर एक इवेंट्स हैं दो तरह के, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी वो एक साथ साइमल्टेनियसली अकर्ड नहीं हो सकते, ठीक है. एंड कवर द इंटायर सैम्पल स्पेस, जबकि वो कवर करते हैं इंटायर सैम्पल स्पेस को, दैट इज द एफ यूनियन एफ इज इक्वल टू एस, यानी जब मैं एक इवेंट एफ का उसी इवेंट के साथ यूनियन लूंगा तो वो सैम्पल स्पेस के बराबर आएगा. सो वी कैन एक्सटेंड बेस थ्योरम टू एनी कलेक्शन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दैट कवर द इंटायर सैम्पल स्पेस. यानी हम अपने बेस थ्योरम को एक्सटेंड कर सकते हैं, क्यों, ताकि जितने भी कलेक्शन हैं सैम्पल स्पेस में जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं उनको वो क्या कर सकते हैं, इंटरटेन कर सके. किस तरह से इंटरटेन कर सके, इन द फॉलोइंग मैनर, द जनरलाइज बेस थ्योरम, सपोज दैट ई इज एन इवेंट फ्रॉम द सैम्पल स्पेस एस एंड एफ वन एफ टू टिल टू द वैल्यू ऑफ एफ एन, की इसकी मैं बात कर रहा था, जब एंथ वैल्यूज तक हमारे इवेंट जा रहे होते हैं, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव event such that the all values union that start from i 1 to n f of i is equal to s. yani iska matlab ye hua ki jitne bhi event hai f of i ka matlab ye f1 f2 f3 wo mutually exclusive hai, yani ek sath occur nahi ho sakte. assume that the probability of e is not equal to 0 and probability of fi, pehle ye simple f tha ab ye fi ban chuka hai, wo bhi not equal to 0 hoga, where i is greater than equal to 1 to onward, theek hai. to ab hamara jo base generalized formula hoga वो इस फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा जे, ठीक है, जे की वैल्यू 1 से ऑनवर्ड चलेगी. सेम फार्मूला जहाँ जहाँ पर एफ मौजूद है आप देखें वहाँ पर हमने वेरिएबल को इस्तेमाल कर लिया और ये वेरिएबल की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 टू ऑनवर्ड और 1 टू ऑनवर्ड के रिस्पेक्ट से ये जनरलाइज्ड फॉर्म पर वैल्यूज को शो करेगा, जबकि हमारे पास जो कलेक्शन है इवेंट्स के वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 टू ऑनवर्ड टिल टू द वैल्यू ऑफ एन. तो ये एक बेसिक आइडिया था जनरलाइज्ड फॉर्म का, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जब हम पिजन होल प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर पिजन होल प्रिंसिपल का एक जनरलाइज रूल भी देखा था, राइट. तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें बुक में बताई गई थी, यही वजह है कि मैंने उस चीज़ को यहाँ पर शो कर दी है. ओके, द लास्टिंग ऑफ दिस सेशन इज बेजियन स्पैम फिल्टर. बेजियन स्पैम फिल्टर का मतलब ये है कि जब हम किसी भी तरह के ईमेल को रिसीव करते हैं तो नॉर्मली जो एक एबनॉर्मल कॉन्टेंट बेस्ड ईमेल होता है उसे हम स्पैम कह रहे होते हैं और जो नॉर्मल होता है उसे हम हैम कह रहे होते हैं. तो इस तरह की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कई स्टैटिस्टिकल मॉडल में और मशीन लर्निंग पे इस्तेमाल की जाती है.
तो हम बेजियन स्टैट्स में यानी बेयस थ्योरम को अप्लाई करते हुए अपने ईमेल को फिल्टर आउट करेंगे कि वो स्पैम है या फिर हैम। हैम का मतलब है नॉर्मल, स्पैम का मतलब है एबनॉर्मल। ठीक, तो स्पैम हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत सारे ऐसे ईमेल होते हैं जिसमें आपको कोई खुशखबरी दी जाती है कि आप लॉटरी विन कर चुके हैं या आप यहाँ पर जो है वो इस तरह के कॉन्टेस्ट विन कर चुके हैं, तो आप इस तरह का फॉर्म फिल करें। इस तरह की बातें होती हैं जिससे वो आइडेंटिफाई करता है हमारा फिल्टर कि ये जो ईमेल है वो स्पैम है। तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेजियन स्पैम फिल्टर को यूज़ करते हुए या बेजियन थ्योरम को यूज़ करते हुए कि गिवन द कॉन्टेंट बेस्ड ईमेल इज़ अ स्पैम और है, राइट? सो टेक्निकली सेम फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप यहाँ पर देखें। ठीक है, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बुक हमें क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है कि नाउ सपोज वी रिसीव अ न्यू ईमेल मैसेज कंटेनिंग द वर्ड डब्ल्यू। एक ईमेल रिसीव होती है, उसमें कुछ वर्ड्स मौजूद हैं या वो कंटेन करती है डब्ल्यू वर्ड को। लेट एस बी द इवेंट दैट द मैसेज इज स्पैम, यानी एस वो इवेंट है जो हमें ये बताएगा कि मैसेज जो है वो स्पैम है। लेट ई बी द इवेंट दैट द मैसेज कंटेन द वर्ड डब्ल्यू, और ई वो इवेंट है जो ये बता रहा है कि आपकी जो मैसेज है उसमें वो डब्ल्यू वर्ड मौजूद है। सो द इवेंट एस that the message is spam and s bar, ठीक है, that the message is not spam, यानी s को अगर मैं spam कह रहा हूँ, ठीक है, तो not जो s होगा वो not spam होगा, यही चीज़ बताई गई है। so that the message is not spam, partitioning the set of all message, hence the Bayes theorem, the probability that the message is spam given that it's contain the word w, यानी वो w के base पर suggest कर रहा है कि वो spam है या नहीं by using s or s bar। तो formula इस तरह से पढ़ा जाएगा अब हमारे बेजियन स्पैम फिल्टर का कि प्रॉबिलिटी ऑफ द एस वेयर एस इज अ स्पैम सच दैट और गिवन बाय द प्रॉबिलिटी ऑफ ई इज गिवन, यानी जो वर्ड्स है हमारे पास डब्ल्यू वो कंटेन करता है, दैट इज इक्वल टू सेम द लॉजिक द प्रॉबिलिटी ऑफ ई सच दैट एस मल्टीप्लाई बाय प्रॉबिलिटी ऑफ एस कंटेनिंग द वर्ड विद स्पैम विथ नॉट स्पैम, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं सेम फार्मूले के साथ। फर्दर मोर टू अप्लाई दिस फार्मूला वी फर्स्ट एलिमिनेट पी ऑफ एस, ठीक है, हम अगर इसे अप्लाई करें तो हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं पी एस एस से बोथ साइड जो है कॉमन लूँ पी ओ एस को, तो यहाँ से पी ऑफ एस कॉमन आ जाएगा और यहाँ से ये पी ऑफ एस और ये सिंपल पी ऑफ एस कॉमन आ सकता है ना, ठीक है। तो अगर पी ऑफ एस से पी ऑफ एस कैंसिल हो जाए तो ये चीज़ हटाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन फर्दर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, द प्रॉबिलिटी दैट इज इनकमिंग मैसेज इज स्पैम एज वेल एज पी ऑफ एस, द प्रॉबिलिटी दैट द इनकमिंग मैसेज इज नॉट स्पैम विदाउट प्रायर नॉलेज अबाउट द लाइकलीहुड दैट इज इनकमिंग मैसेज इज स्पैम। For simplicity, we assume that the message is equally likely to be spam as it is not to be spam. So that is, we assume that P of S and P of S not equal, equal to half. यानी जैसी सी बात है कि सी मैसेज की स्पैम होने और ना होने के चांसेस इक्वल है, हाफ ऑफ प्रॉबिलिटी। तो बिहाफ ऑफ दिस यूजिंग द assumption, we find the probability that the message is spam given the contain the word W. तो हम पहले ये assume कर रहे हैं कि वो words के अंदर हमारे जो words हैं वो spam के मौजूद हैं। तो अब हमने formula को जब P of S को eliminate किया तो अब जो स्पैम फिल्टर का फॉर्मूला बना वो इस तरह से स्पैम कन्वर्ट हो चुका है, यानी पी ऑफ एस अपनी जगह मौजूद है, पी ऑफ एस प्रॉबिलिटी यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी हट गया और यहाँ से भी हट गया। ये तो हमने बेजियन स्पैम फिल्टर को अंडरस्टैंड किया ये किस तरह से फार्मूला बन रहा है। अब हम कुछ क्वेश्चन को समझते हैं जहाँ पर हम इसे अप्लाई करके देखेंगे तो ये बात मजीद अच्छे तरीके से समझ पाए। तो सपोज दैट वी फाउंड दैट द वर्ड रोलेक्स अकर इन 250 ऑफ 200 मैसेजेस, यानी 2000 मैसेजेस हैं उसमें 250 ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें रोलेक्स का वर्ड आ रहा है नोन टू बी स्पैम एंड इन 5 ऑफ द 1000 मैसेज नोन नॉट टू बी स्पैम, यानी ये वो मैसेजेस हैं जिसको हम स्पैम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और 5 ऐसे हैं 1000 मैसेज में से जिसे हम स्पैम नहीं कह रहे हैं या नहीं है। एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट एन इनकमिंग मैसेज कंटेनिंग द वर्ड रोलेक्स इज स्पैम, यानी अब हमें वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर कोई नया कोई इस मैसेज आता है और उसमें रिलैक्स का वर्ड होता है तो कितने प्रोबेबिलिटी चांस होगा कि वो 250/2000 को फॉलो करते हुए स्पैम बनेगा या 5/1000 को फॉलो करते हुए नॉट स्पैम बनेगा। अज्यूमिंग दैट इट इज़ इक्वली लाइकली दैट एन इनकमिंग मैसेज इज स्पैम और नॉट, यानी दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इफ़ आवर थ्रेशोल्ड फॉर रिजेक्टिंग अ मैसेज एज स्पैम इज 0.9 विच मीन 90%, विल वी रिजेक्ट सच मैसेज और नॉट, यानी अगर हमारा थ्रेशोल्ड 90% है तो क्या मैं अपने मैसेज को रिजेक्ट कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब सोल्यूशन को समझते हैं। वी यूज द काउंट ऑफ द वर्ड रोलेक्स अपेयर इन अ स्पैम मैसेज एंड मैसेज दैट आर नॉट स्पैम टू बी फाइंड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रोलेक्स वर्ड 250/2000, तो ये आ गया 12%। ये किसके लिए हुआ, जब मैसेज हमारा स्पैम है। एंड क्यू रोलेक्स प्रोबेबिलिटी इसके आगे 0.005,
ठीक है, ये वो प्रॉबिलिटी है जो जिसमें वर्ड मौजूद थे लेकिन वो 5 टाइम थे 1000 मैसेजेस. तो बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज लाइकली फॉर इनकमिंग मैसेज टू बी स्पैम और नॉट, सो वी कैन एस्टिमेट द प्रॉबिलिटी दैट द इनकमिंग मैसेज कंटेनिंग द वर्ड रोलेक्स इज स्पैम बाय आर रोलेक्स, विच मीन रिजेक्शन प्रॉबिलिटी ऑफ द रोलेक्स इज इक्वल टू द प्रॉबिलिटी ऑफ द रोलेक्स डिवाइड बाय प्रॉबिलिटी ऑफ द रोलेक्स प्लस क्यू डिवाइड इन टर्म ऑफ द प्रॉबिलिटी ऑफ रोलेक्स. यानी हमने जब पी के लिए निकाला तो हम देखेंगे कि जो स्पैम बेस्ड ऑन द काउंट स्पैम नहीं है, ठीक है, यानी सॉरी स्पैम है और स्पैम ना है. यही चीज़ अभी हमने क्वेश्चन में समझी. तो 0.125 जो है वो इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है दोनों जगह, और 0.005 जो है वो 5/1000 के लिए. और जब हमने डिवाइड किया तो एस्टिमेटेड वैल्यू 96% की आ रही है. सो बेस्ड ऑन दिस बिकॉज द प्रॉबिलिटी ऑफ द रिलेक्शन rejection R of Rolex is greater than the threshold values given in a question, so we can reject such message as a spam. Yani fir hum reject karenge use spam hone ke liye kyunki ye threshold se aage ki taraf ja raha hai. The last one example for the Bayesian spam filter. Suppose that we train a Bayesian spam filter on a set of the 2000 spam messages and 1000 messages that are not spam. Acha jo word train ka yahan par istemal kiya gaya hai iska matlab hai ki hum Bayesian filter ko train kar rahe hain राइट एंड फॉल्स दोनों वैल्यू, यानी ट्रू एंड फॉल्स दोनों वैल्यूज़ पे, कि किस तरह के वर्ड्स होंगे इतनी क्वांटिटी पे तो वो स्पैम है, और इस तरह के वर्ड्स में इस तरह की क्वांटिटी ये वर्ड्स मौजूद हो तो वो स्पैम नहीं है इस तरह के वर्ड्स, ठीक है. तो उनका काउंट बताया गया 2000 एंड 1000. द वर्ड स्टॉक अपेयर्स इन 400 स्पैम मैसेज एंड 60 मैसेजेस दैट आर नॉट स्पैम. यानी 400 ऐसे स्पैम मैसेज हैं जिसमें ये स्टॉक का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, और 60 ऐसे मैसेजेस हैं जिसमें ये वर्ड तो हो रहा है लेकिन वो स्पैम नहीं है, ठीक है. सो एंड द वर्ड अंडर वैल्यूड अपेयर इन अ 200 मैसेज स्पैम मैसेजेस एंड 25 मैसेजेस दैट आर नॉट स्पैम. दो वर्ड्स बताए गए, ये और उनका काउंट लिखा हुआ है. सो एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट एन इनकमिंग मैसेज कंटेनिंग बोथ द वर्ड स्टॉक एंड अंडर वैल्यूड इज स्पैम, अज्यूमिंग दैट वी हैव नो प्रायर नॉलेज अबाउट द वेदर इट इज स्पैम. विल वी रिजेक्ट सच मैसेज एज स्पैम when we set the threshold as 0.9 which means 90%. तो दो वर्ड्स हैं जो ऐसे मैसेजेस में आ रहे हैं, और हमने अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया है. ट्रेन करने के बाद हमें बताया गया कि कितने स्पैम मैसेजेस हैं जिसमें वर्ड मौजूद है और वो स्पैम है, कितने वर्ड हैं जो नहीं है. अंडर वैल्यूड के हिसाब से भी यही है. और अब हमें प्रॉबिलिटी बतानी है क्योंकि हमारे पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ 90%. तो यूजिंग द काउंट ऑफ ईच ऑफ दीज टू वर्ड्स इन मैसेज नोन टू बी ए स्पैम और नॉट known not to be spam, we obtain the following estimation. यानी सबसे पहले हमने probability मालूम की stock word के लिए, तो 400 words हैं 2000 में थे तो ये 20% आ गया, और stock के लिए only 6%. अब यही काम हमने undervalued word के लिए किया, यानी दोनों condition पर true वाले भी और false वाले भी, दोनों की probability आ गई. ये आ गया हमारा 10% और ये आ गया only 2%. So using these probability we estimate the probability of the message to be spam or not. तो हमने प्रॉबिलिटी स्पैम बेजियन वाइज प्रॉबिलिटी ऑफ द स्टॉक एंड अंडर वैल्यूड लिखा. प्रॉबिलिटी ऑफ स्टॉक ले रहे हैं, अंडर वैल्यूड ले रहे हैं, और स्टॉक अंडर वैल्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यस के लिए, यानी जब वो स्पैम है नहीं है, और जब वो स्पैम है दोनों की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रही है वैल्यूज पुट की, और जो हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आई वो है 93% जो कि थ्रेशोल्ड से आगे. सो बिकॉज वी हैव सेट द थ्रेशोल्ड फॉर रिजेक्टिंग मैसेज एट 90, such message will be rejected by the filter. तो इस तरह के जो message होंगे वो reject कर दिए जाएंगे based on the threshold map. तो hope you will understand कि इस session पर हमने देखा कि Bayesian जो है वो spam filter क्या है. हमने start किया Bayesian theorem से, हमने उसके basic proof देखे, उसके बाद हमने generalized rule देखा, फिर हम कुछ technical questions देखे. hope you will understand. थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक्स होते हैं, यही वजह है कि वीडियोस लॉन्ग हो रही होती हैं. कोशिश करता हूं कि वो तमाम कोर पॉइंट्स को हम डिस्कस करें जो बुक पे मौजूद है. किसी भी लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो रोइजन के बुक को फॉलो करते हुए, इधर आप डिस्क्रीट मैथ्स देख रहे हो या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर देख रहे हो, किसी भी लेवल के ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिकल कोर्सेस को अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसके एग्जाम या इंटरव्यू को, तो बड़े आसानी से उसको जो है क्रैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं. तो होप यू अंडरस्टैंड. फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेशन पे ज़रूर बताएं. कोशिश करूँगा बर वक्त जवाब दे सकूँ. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज पर आने वाली तमाम वीडियोज़ के बारे से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे, और इसी तरह की नई चीज़ें सीखते रहें. नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं. सी यू देयर.